हम आइसिंग करते हैं केक के ऊपर, जो जेल से, जो न्यूट्रल जेल होता है वो मार्केट से लेकर आते हैं, सेम वैसा ही जेल हम घर पर भी बनाकर तैयार करेंगे। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट से लाई हुई चीज़ें ही बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप घर पर वैसा ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, मार्केट जैसा ही बिल्कुल परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि घर पर कैसे बनेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए मिले। और ये देखिए, मैंने जो टूल्स यूज़ किया है वो टूल्स भी DIY है और उसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और ये देखिए कितनी शाइनी है, बिल्कुल मार्केट वाले जेल की तरह। तो आप भी घर पर बनाइए और अपने केक को ऐसे डिज़ाइनिंग कीजिए, आइसिंग कीजिए। तो उसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप पानी और 2 टेबल स्पून चीनी और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। और सारी चीज़ें हमें पैन में इकट्ठी ले लेनी है। तो हमने लिया पैन और डाल दिया कॉर्नफ्लोर और डाल दिया चीनी। अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इन सबको मिलाकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले जब तक चीनी घुल ना जाए और कॉर्नफ्लोर अच्छे से लम्स फ्री ना हो जाए, अच्छे से घुल ना जाए पानी के साथ, तब तक हम इसे पहले चलाएंगे, मिक्स करेंगे। उसके बाद ही हम इसे गैस ऑन करेंगे और इसके ऊपर पकाएंगे। और पकाना भी बिल्कुल लो फ्लेम पे है, आप बिल्कुल फ्लेम को हाई या मीडियम मत करिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाइए। और सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करके ये थिक होने स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने वीडियो को कट नहीं किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, मैंने बस वीडियो को फास्ट किया है। और ये देखिए, देखते ही देखते 1 से 1.5 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से बिल्कुल मार्केट जैसा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तैयार होकर हो जाएगा ये। और ये देखिए बिल्कुल हो गई है ये तैयार। और ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक होगी, इसलिए मैंने इस कंसिस्टेंसी पर इसे बंद कर दिया है गैस को। और ये देखिए कितने अच्छे से ये हो गई है थिक। इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है। और मैं निकाल लेती हूँ अलग अलग बाउल में और आधा जेल में रख लूँगी ताकि बाद में मैं इसे यूज़ कर सकूँ। आप चाहे तो इसमें अभी ही फ्लेवर एसेंस यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने इसे न्यूट्रल ही रखा है क्योंकि बाद में जब आपको चाहिए केक के हिसाब से आप इसमें आइसिंग के लिए एसेंस और कलर यूज़ कीजिए। मैंने इसमें रेड और ब्लू कलर डाला है, 2-2 बूंद मैंने इसमें डाला है और बहुत ही अच्छा ये कलर तैयार हो जाएगा। अब आप इसमें एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको स्ट्रॉबेरी रखना है या कोई भी फ्लेवर का आपको रखना है तो आप वो एसेंस यूज़ कर लीजिए। मैंने इसमें भी कोई एसेंस यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं ऐसे ही आपको केक टिन के ऊपर ही बना कर दिखाने वाली हूँ। और ये मैंने ब्लू कलर डाला है, 2 बूंद बहुत ही काफ़ी है ये बनाने के लिए, आपको केक की आइसिंग के लिए बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है इसमें, ये देखिए। और शाइनी बिल्कुल वैसे ही बनी है, बिल्कुल मार्केट वाली जेल की जैसे। आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर जब भी आप आइसिंग करते हैं ना, तो ऐसे आपको नोट्स बनाने बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए पीछे नोट ज़रूर दीजिएगा ताकि अच्छे से ये बाहर ना निकले जब आप आइसिंग करें। तो ये मैंने ब्लू वाला तैयार कर लिया, वैसे ही मैं रेड वाला भी तैयार कर लिया।